नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक दिल्ली न्यूज। आपके साथ मैं हूं अंशु। बड़ी खबरों का रुख करते हैं नीमच। मंगलवार को मध्य प्रदेश पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग संयुक्त मोर्चा द्वारा 52,000 गांव और 313 जनपद 52 जिला पंचायत में राज्य संवर्ग के पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की 18 घटक संगठनों ने अधिकारी कर्मचारियों की महत्वपूर्ण मांगों के निराकरण के संदर्भ में सरकार को सद्बुद्धि देने के उद्देश्य से अनिश्चितकालीन हड़ताल के 5वें दिन विरोध प्रदर्शन के दौरान जनपद पंचायत परिसर में सुंदरकांड पाठक के आयोजन कराए गए। संयुक्त मोर्चा संरक्षक राजेंद्र चौहान ने जानकारी देते हुए बताया, आज हम सरकार को जगाना चाहते हैं। हम सब सुंदरकांड के माध्यम से हनुमान जी से यही प्रार्थना करते हैं कि सरकार को सद्बुद्धि दी जाए। सरकार से हमारी एक ही मांग है कि हमें नियमितीकरण किया जाए। यदि सरकार हमारा नियमितीकरण नहीं करती है, माफ कीजिएगा, अगर करती है तो अन्य समस्याएं अपने आप हल हो जाएंगी। यदि हमारी मांगे नहीं मानी जाती तो हमारी हड़ताल अनिश्चितकालीन रहेगी। नीमच से महेंद्र उपाध्याय की रिपोर्ट। आज ग्रामीण विकास संयुक्त मोर्चा तत्वाधान के माध्यम से आज हमारा 5वां दिन है और आज हम सरकार को जगाना चाहते हैं कि आज मंगलवार का दिन है और इस मंगलवार के दिन हम हनुमान जी से प्रार्थना कर रहे हैं। आज हमारे पांडाल में आप जैसे कि देख रहे हो, हमारे समस्त मोर्चे के समस्त पदाधिकारी एवं हमारे संयुक्त मोर्चा के जितने भी हमारे सदस्य हैं सभी लोग आज यहाँ पर उपस्थित हैं और सभी मिलकर आज प्रार्थना कर रहे हैं ईश्वर से कि वह सरकार को, जो कि सोई हुई सरकार है, और वह जागे और उनके जो कर्मचारी है उनकी बातों को सुने और बहुत जल्द इन बातों का वो निराकरण करें। हमारी जो निम्न मांगे हैं, जो कि हमने पहले भी आप लोगों को बताई गई है और आज भी हम आपको फिर से बता रहे हैं, हमारी जो नियमितीकरण की मांग सर्वप्रथम मांग है, अगर हम लोग सारे संगठन के कार्यकर्ता लोग जितने भी है, अगर हम सभी को नियमित कर दिया जाता है तो हमारा आधा काम हो जाएगा, बाकी चीज़ उसके पीछे सारी चीज़ अपने आप हो जाएगी। क्योंकि नियमितीकरण एक ऐसा साधन है जिससे कि हम सभी लोगों की सारी समस्याएं दूर हो जाएगी। तो बड़ी खबरों में बस इतना ही, बाकी की तमाम छोटी बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए दैनिक दिल्ली न्यूज़। नमस्कार।